हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल्स के बारे में। सो स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल्स का जो है चार इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। आज हम चौथा इंपॉर्टेंट मेथड डिस्कस करेंगे, डीबाय एंड सेरर पाउडर मेथड्स। इससे पहले हमने तीन मेथड डिस्कस कर चुका हूं मैं अपने वीडियोस में, आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज जाके उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली तीन मेथड हैं, लॉ फोटोग्राफिक मेथड्स, ब्रैक्स मेथड्स एंड रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड्स। आज हम ये है हमारा डीबाय एंड सेरर पाउडर मेथड्स, ठीक है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स है फॉर द एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो पाउडर मेथड वॉज डिवाइस इंडिपेंडेंटली बाय पाउडर मेथड वॉज डिवाइस इंडिपेंडेंटली बाय पी डीबाय एंड पी सेरर इन 1916 एंड ए डब्ल्यू हिल इन 1917, ठीक है। तो बेसिकली पाउडर मेथड्स को जो है इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से पी डीबाय और पी सेरर ने 1916 में डिस्कवर किया था, उसके बाद ए डब्ल्यू हिल ने 1917 में इसे डिस्कवर किया था। इट इंप्लॉयज फाइनली पाउडर्ड सैंपल इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर इन साइड अ थीन ग्लास ट्यूब अ नैरो बीम ऑफ, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो है हम जो इस मेथड में हमारा जो सैंपल होगा वो पाउडर के रूप में होगा, ठीक है, क्रिस्टल्स के रूप में नहीं होगा। तो इसमें फाइनली हम पाउडर सैंपल यूज करते हैं टू फॉर्म अ सिलेंडर इनसाइड इन द थिन ग्लास ट्यूब। अ नैरो बीम ऑफ एक्सरे इज अलाउ टू फॉल ऑन द पाउडर। द डिफ्रैक्टेड एक्सरे स्ट्राइक अ स्ट्रिप ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर आर्क। द स्कैटर रेस फ्रॉम ऑल सेट ऑफ प्लान्स, एग्जाम्पल 100110 ETC are detected by using a X-ray sensitive film, ठीक है। तो ये जो है डीबाय एंड पाउडर मेथड्स का जो है हमारा थ्योरी पोर्शन है, सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी थ्योरी। इसका प्रिंसिपल समझने के लिए हम ये डायग्राम देखते हैं। तो हमने अपने पहले जो मेथड्स हमने डिस्कस किया है उसमें भी हमने डिस्कस किया है कि जो एक्सरे जो बीम हम यूज करते हैं उसको एक्सरे ट्यूब में प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे भी एक्सरे ट्यूब का प्रयोग किया जाता है एक्सरे को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर उसको जो है कोलिमीटर, फिर जो हमारा एक्सरे जो प्रोड्यूस होगा वो कोलिमीटर और मोनोक्रोमीटर से होकर जो एक्सरे हमारा वो मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बन जाता है, ठीक है। तो ये एक्सरे ट्यूब का प्रयोग यहाँ भी हम करते हैं एक्सरे बीम को उत्पन्न करने के लिए। फिर यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे जो है एक प्रकार का सिलेंडर यूज किया जाता है जिसमें एक्सरे बीम, ये जो पाउडर पाउडर स्पेसिमेन है, पाउडर सैंपल है, एक्सरे बीम को पाउडर सैंपल के ऊपर स्ट्राइक किया जाता है। फिर ये जो है ये फोटोग्राफिक फिल्म में एक स्पॉट प्राप्त होता है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड हमारा प्लेन्स है, ठीक है, एक्सरे बीम रिफ्लेक्टेड एक्सरेज है पाउडर में एक्सरे को डालने के बाद। फिर ये स्पॉट प्राप्त होता है हमारा फोटोग्राफिक फिल्म पर, जिससे जो है इस स्पॉट का यूज करके हम अपने जो पाउडर में जो भी हमारा सैंपल होगा उसके स्ट्रक्चर एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिक प्रिंसिपल है हमारे पाउडर मेथड्स का, डीबाय एंड पाउडर मेथड्स का, जिसे पी डीबाय ने जो है डिस्कवर किया था। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। द पाउडर मेथड्स ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन, ये बेसिक सा डायग्राम है। इसमें एक्सरे बीम को पाउडर सैंपल के ऊपर स्ट्राइक किया जाता है, फिर जो हमारा रिफ्लेक्टेड प्लेन्स होते हैं, जो रिफ्लेक्टेड हमारा जो एक्सरेज होते हैं उससे फिर हमको फोटोग्राफिक प्लेट में एक स्पॉट प्राप्त होता है। उसी स्पॉट का प्रयोग करके जो है हम फिर अपने क्रिस्टल का स्ट्रक्चर एनालिसिस कर सकते हैं। उसका इन दिस मेथड नो रोटेशन इज नेसेसरी, यहाँ पे रोटेशंस नहीं होते हैं, सिंस द पाउडर सैंपल ऑलरेडी कंटेन माइक्रो क्रिस्टल्स अरेंज इन ऑल पॉसिबल ओरिएंटेशन, ठीक है। यहाँ पे रोटेशन जो है नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि जो पाउडर सैंपल होगा उसमें ऑलरेडी माइक्रो क्रिस्टल्स उपस्थित होते हैं, अरेंज होते हैं इन ऑल पॉसिबल ओरिएंटेशन, ठीक है। यहाँ पे जो है हम सीमन बोहलिन फोकसिंग कैमरा को भी यूज करते हैं फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग में, पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड में हम सीमन बोहलिन फोकसिंग कैमरा इज आल्सो यूज्ड फॉर फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग ऑफ पाउडर डिफ्रैक्शन, ओके। तो ये सीमन बोहलिन फोकसिंग कैमरा इज आल्सो यूज्ड इन दिस मेथड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, आप इसको मेंशन कर लीजिएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ
एनी क्रिस्टल्स बाय यूजिंग पाउडर मेथड्स। इससे पहले तीन और इंपॉर्टेंट मैटर्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारे सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मिल जाएगा, प्लीज जाके सभी वीडियो को चेक कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियोस आपके एग्जाम पर्पस से हेल्पफुल हो, आपकी खुद के प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।